हैं जहाँ गांधी जी बैठते थे। ये जो चौकी है ये उनके घर दिखाते हैं। ये रहा बोर्ड, देख लीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूम दिखाते हैं। ये रहा रूम, रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये रूम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी पलंग पर सोते थे, उनका पलंग है, काफी पुराना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत। तो आज हम आए हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर, जो कि बिहार के सिवान जिले जीरादेई गांव के निवासी थे। के घर के अंदर इधर एक कुआं है, आइए दिखाते हैं, जो कि पहले चापाकल नहीं रहता था तो इसी कुआं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पानी पीते थे। ये सब गार्डन बना हुआ है। ये प्रतिमा बना हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, मूर्ति जो काफी पुराना है, देख सकते हैं आप। भाई साहब गार्डन के काम कर रहे हैं, अभी गार्डन का काम ही चल रहा हुआ है। ये माता जी घास सो रहे हैं, इधर गार्डन का रिपेयर चल रहा है। ये रहा उनका घर, दिखाते हैं जहाँ गांधी जी बैठते थे। ये जो चौकी है, आए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो लिखा हुआ है उन गांधी जी के स्थान पर कब आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुछ जीवनी जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बोर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 28 फरवरी 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी। ये बोर्ड पर उनका जीवनी लिखा हुआ है, जान लेते हैं। देखिए ये, और ये देख सकते हैं कुछ पुराने तस्वीरें उनके, यादें, ये सब म्यूजियम में बना हुआ है। इसमें सबसे ऊंचे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये रहा उनका बुक लाइब्रेरी। आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूम दिखाते हैं। ये रहा रूम, रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये रूम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी पलंग पर सोते थे, उनका पलंग है, काफी पुराना है दोस्तों। आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूम दिखाते हैं। ये रहा रूम, रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये रूम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी पलंग पर सोते थे, उनका पलंग है, काफी पुराना है दोस्तों। घर आज भी वैसा ही है, जो काफी पुराना है, देख सकते हैं नजारा आज भी वैसा ही है। इनका कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। चलिए कुछ इनके डिटेल्स जान लेते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है, गाइस उनका घर आज भी वैसा ही है, देख सकते हैं। आज की उनका यादगार वैसा ही है, आज तक खिपड़े का ही घर है उनका। देखिए व्यू पूरा, आई होप करता हूँ कि आपको वीडियो आज के बहुत पसंद आया होगा। बने रहिए अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।